कुल्लू में हुए राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भाग लेने गए कलाकारों ने अब आयोजन कार्यकर्ताओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और मानना है कि राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में केवल कलाकारों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लाखों रुपए कला के उत्थान के लिए नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए खर्च किए जा रहे हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में हिमाचल हमेशा फिसड्डी साबित होता आ रहा है। सोलन के कलाकारों ने आरोप लगाया है कि खेल मंत्रालय द्वारा युवा महोत्सव आयोजित नहीं किया गया बल्कि युवा शोषण महोत्सव आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि जो सुविधाएं कलाकारों को राज्य स्तरीय महोत्सव में मिलनी चाहिए थी वह न के बराबर थी। उन्होंने कहा कि अच्छा खाना पीना और रहना तो दूर, यहाँ तक कि नाट्य मंचन के लिए लाइट तक का प्रबंध नहीं था। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से जो वहाँ निर्णायक मंडल बिठाया जा रहा है वह अब आधुनिक सोच के नहीं है, जिन्हें बदला जाना चाहिए ताकि नई सोच के कलाकारों को मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि कला के क्षेत्र में हिमाचल कई वर्षों से फिसड्डी साबित होता आ रहा है और कोई भी इनाम हासिल नहीं कर पाता है। 8 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर कुल्लू में हुए युवा महोत्सव को मैं युवा महोत्सव नहीं, युवा शोषण महोत्सव कहता हूं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं का शोषण है। ना तो युवाओं को वो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जो उनको मिलनी चाहिए, कलाकारों का शोषण हो रहा है, उनको कला जो मंच प्रोवाइड किया जाता है उसमें जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो तक उनको प्रोवाइड नहीं की जाती, जो जजमेंट है उसको लेके जजेस जो हैं वो उस लेवल के नहीं है कि वो उनको जज कर सकें। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो युवा महोत्सव है इससे क्या होगा कि युवा उत्साहित नहीं होंगे, युवा हतोत्साहित होंगे और ये कलाएं मरती जाएंगी। और हम अभी एक अपनी तरफ से एक लेटर लिख के देंगे खेल मंत्रालय को कि किस तरह की हमारे साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं जब हम इस तरह के महोत्सव में जाते हैं, हम किस तरह से हतोत्साहित होते हैं कि मैं नाटक से रिलेटेड हूँ, तो वहाँ पे ना तो लाइटें बढ़िया से, ना उनको ऑपरेट करने वाला कोई बढ़िया सा आदमी है वहाँ पे, इतना बड़ा स्टेज होने के बावजूद वहाँ पे रंग बिरंगी शादियों वाली लाइटें नाटक के लिए दी जा रही हैं।